गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग क्या बना रहे हैं? लजीजा रसमलाई। वाह वाह वाह। तो हम रसमलाई बना रहे हैं, तो गाइस स्टे ट्यून, देखिए कि कैसे बनती है। हमने कभी बनाई नहीं है आज तक, और हम पैकेट वाली रसमलाई बना रहे हैं। सो वी आर होपिंग इट्स गोना बी इजी एंड आई होप इट्स इजी, अदरवाइज वी आर डन और अच्छी बने, अल्लाह करे कि उससे हमारे बड़ा दिल चाहे रसमलाई खाने। पहली बार बना रहे हैं। या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो लेट्स गो। 1 लीटर हम इसमें दूध डाल रहे हैं, पहले ये बॉइल कर लेंगे। दूध बहुत महंगा हो गया गाइस आजकल, हम इसमें पानी मिला के फिर से डाल रहे हैं हम लोग फिर से। तो फिर तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा 1 लीटर से ज़्यादा दूध, थोड़ा ही ज़्यादा। तो गाइस इसकी रेसिपी है 1 लीटर दूध एंड शुगर, एग, कुकिंग ऑयल एंड दिस मिक्स। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना कितना डालना है। शुगर 1 कप डालनी है या 1/2 कप, आपकी मर्जी है। 1 एग एंड 3 to 4 5 टेबल स्पून डालना है, टीस्पून बल्कि ना ऑयल एंड 1 पैक। टेस्ट करो ताकि बहुत जल्दी हो जाए टेस्ट। ऐसे हम शुगर निकाल रहे हैं अपनी, हमें अराउंड 1/2 कप 1 कप शुगर चाहिए। तो ना हम हाफ लेंगे ना वन लेंगे, मैं कहना गो समवेयर इन बिटवीन लाइक दिस मच। सो ऑन हाफ, हाफ से ज्यादा है एंड फुल से कम है। अब हम इसको हम और हमारे बॉईल ही हो रहे हैं मिल्क, तो हम डाल रहे हैं पहले से ताकि उसमें वो सही से हो जाए, वरना फिर एक्स्ट्रा टाइम हमें करना पड़ेगा ना। प्लस हम अपने इसमें 2 कप्स वाटर डन। अब हम इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे, और हम सोच रहे थे कि हम बना लें, पता था कि वो हार्ड हो जाएंगी अगर आप पहले से बना के रखेंगे ना, तो जैसे ही बनाएंगे वैसे ही हमें डालना है ना उसमें मिल्क में। हमारा कंटेनर जो कि खत्म हो गया है, हम इसमें शुगर भर रहे हैं, वरना हमारी मम्मा डांटेंगी हमें कि तुम लोगों ने सारी चीनी यूज़ कर ली और उसको तो हमने काम कर लेते हैं। लिटरली 5 रुपीज़ का साशे फड़ा हुआ था, है कोमेल का, तो हमने कहा इसको डाल दें मिल्क में ना, थोड़ा सा टेस्ट इसका वो हो जाएगा, दुबाला टेस्ट हो जाएगा, यम यम। हम लोग थोड़ी सी और चीनी डाल रहे हैं क्योंकि सुधरा को पता नहीं कैसे दूध सूंघ के इनको लग रहा है कि चीनी कम है। यू नो शी नोस, हु नोस, हु नोस, शी नोस, आई कैन नो, दे नो, आई कैन नो। थोड़ी सी डाली है, मतलब समझ लिया अब हमने एक, और ये अब आप देख सकते हैं कि बबल्स आ रहे हैं दूध में, तो अब हम जा रहे हैं अपना मिक्सचर बनाने। इसको अभी हम हाई फ्लेम पे रखा है, थोड़ी देर पार्शियल ड्रॉ रखेंगे फिर लो फ्लेम कर देंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। सो लेट्स गो एंड मेक सम रसमलाई। ये पैकेट खोलने जा रहे हैं, पता नहीं कैसे खुलेगा। लुक्स डिलीशियस इन द पैकेट एंड आई होप कि ऐसी ही। हां इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइस अगर हमारी अच्छी बनी तो आप लोग भी बना के ट्राई करके बताएगा कमेंट पे। इसका पैकेजिंग ये है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो अब हम इसको एग बीट करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस उधर ने एग निकाल दिया है अब इसको वो कर रही है बीट। हांटी लगाऊंगी, हांटी, हालांकि मैंने इतना अच्छा निकाला था। एक्चुअली सो गुड, और कप में ज़्यादा अच्छा बिकॉज वो इधर उधर नहीं हिल रहा है। होली श, दिस इज गॉड, दिस इज गुड, दिस इज गुड शिट। दिखाओ फिर से, दिखाओ व्यूअर्स को, व्यूअर्स फिर से व्यूज दिखाओ, इट्स सो गुड। ओह मेरी यो, बस बस कोई बात नहीं, दांत अच्छे होते हैं।
बादाम तो अच्छे होते हैं सही है। हाँ काफी इसको अंदर डाल दो इसके पानी। जब भी हम अपने छोटू को अलाउ नहीं करते हर रखने पड़े। सो गाइस हमारा एग इज रियली नाइसली फेटेड वेरी इजी। या दिस वाज वेरी इजी टू डू। अच्छा नाउ वी डोंट नीड दिस वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द स्टफ। सो आई थिंक हम अपना मिक्स ओपन कर रहे हैं। इसमें हमें क्या 4-5 टेबल स्पून घी डालना है राइट। टी स्पून देखो देखो टी स्पून इतना। Or the mix is kind of like small amount, not that much. It smells kind of like fake. जैसे खीर की स्मेल भी। नहीं अच्छी है। But I'm trying to. खैर अच्छी है। अभी देखते हैं क्या होता है। हम तो बस ट्राई कर रहे हैं। अच्छा हमें उम्मीद नहीं है। बहुत फाइव लगाएंगे हम। तो हमारा दूध उबल चुका है। So like अब हम इसको आराम से बना सकते हैं। हम ऑयल डाल रहे हैं। हमने 4-5 टीस्पून मींस लाइक सदरा वाइज ऑफ दिस टेबल स्पून। अब उसको पहले वो कर दो नेट रीडिंग नेट। आप क्या लिखे उस पे सम एग 5 टेबलस्पून डाल रहे हैं। 5 अब उसको करेंगे। ऐसा लग रहा है गाइस ये देख सकते हैं आप अपनी व्लॉग भी हो रही है। व्लॉग तो हमारा हटो को अब स्मॉल बॉल्स करने जा रहे हैं इसके। तो मेरे ख्याल से वो भी करते हैं जो वो नहीं करते थोड़ा फ्रेश प्रेशर में वो हम वो करेंगे जब डल जाएगा उसके अंदर तब तो नहीं करना। लिखा है ना उसमें पढ़ लो कहाँ है ये रहा। तो गाइस हम आते हैं जब ये सारी हो जाती हैं देखते हैं कितनी बनती है इसमें। तो गाइस हमारी ये बन चुकी है और ये बहुत छोटी बॉल है हम कंपेयर टू आवर हैंड। आप देख सकते हैं कि इट्स लाइक लिटरली वेरी लिटिल बॉल। अब देखते हैं कि ये कितनी बड़ी होती हैं। कह तो नहीं ये होंगे अगर नहीं हुई तो आई एम गोना सू देम। सो गाइस लेट्स पुट इट इन। ओ बस ऐसे ही डालनी है सारे। ओह माय गॉड आई एम काइंड ऑफ स्केयर्ड कि दूध बहुत ज्यादा है क्या ये हो पाएगा। गाइस स्टे ट्यून फॉर दैट। आई एम काइंड ऑफ रियली नर्वस एंड स्केयर्ड। चल चुकी है ये अल्लाह ताला प्लीज बन जाए। बहुत मज़ा आएगा अगर ये बन गए। मैंने फ्लैट की है थोड़ी सी आयरन और चिकन सी और ये काफ़ी बड़ी भी हो गई है पहले से। और फ्लेम हाई कर रहे हैं और लो कर रहे हैं अभी क्योंकि एकदम से दूध ऊपर आता है तो बहुत पैनिक हुआ हुआ है अभी। सो अगर हम कोई पार्ट मिस कर दें वीडियो का तो इज अबाउट ऑफ द पैनिक। गाइस इसके बाद हम मिलते हैं। इतनी बड़ी हो गई हैं और सुधा कह रही है कि निकाल लें पर मैं कह रही हूँ कि नहीं होनी चाहिए अभी थोड़ा और टाइम दें तो हम चख रहे हैं ये कैसी है। डज इट टेस्ट लाइक रसमलाई। दूध पी रही तो दूध का भी इतना वैसा टेस्ट होता है। ले ये चम्मच से निकाले निकाल गया ये टूट ना जा जाए सदा ये टूट गया था पहले भी खीर अम्मा ने निकाली थी। स्पून से निकालते हैं स्पून से अभी उसको कूल होने दो फिर निकाल लेना। ट्रांसफर शीशा है ना वो जाते टूट जाए। तुम्हारी मम्मा पता नहीं कहा है और अभी कुछ नहीं समझ आ रहा तुम्हें कभी कभी समझ ही नहीं आता लेकिन क्या लेते कुछ ना कुछ तो बन ही जाता।
बाद क्या लिखा है उसके बाद में है और जूस नहीं है तो अल्लाह ताला प्लीज अच्छी हो प्लीज 160 रुपीस में नॉट बैड सो दैट वी हैव नॉट इवन ट्राइड इट येट इट इज एक्चुअली रियली गुड ऐसा लग रहा है इनका हलवा बन जाए क्यों लग रहा है ऐसा और बहुत बुरी हमें इन्हें निकालनी चाहिए थी पहले मैं डर्टी डाल दिया है दूध अब हम इसको थोड़ा कूल होने दे रहे हैं फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे ओके गाइस अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम डोमिनोज चले जाएं क्योंकि कल हमें बीच डे है कल हमारे कजन्स के साथ तो हम क्लोथ्स लेने जा रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी भी खुलने वाली है तो इसलिए मैं उसके लिए भी कपड़े चाह रही हूँ और हमारी जो वो है क्या क्या बनाई कम शॉप होता नहीं हमने अभी क्या बनाया रस मलाई तो रस मलाई अभी हम आके देखेंगे उसको कि कैसी हुई है अभी लेट्स गो शॉपिंग Do I look skinny or not? No. Now I don't know what my family is doing. बाजार के यार ओ माय गॉड मैं इतने पैसे खर्च करती थी अब मैं फ्री में लिटरली दिस इज फ्री और इतनी सारी प्लीज़ दिस इज़ अ मस्ट ट्राई दिस इज सो यम्मी इतनी छोटी छोटी बनाई थी हमने इतनी बड़ी हो गई यार प्लीज़ ट्राई करके मुझे बताएगा कैसे हैं और ये हमारी शॉपिंग पड़ी हुई है सब बिखरा हुआ है अभी लेकिन मैंने ये कहा खा लूँ मैं जल्दी से क्योंकि मुझे बहुत इसको ट्रैक करने की वो हो रही थी क्रेविंग Thanks for watching. See you guys next time. Allah Hafiz.